भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज 23 मार्च शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आज तीनों का शहीद दिन है। इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पूरी जवानी, यौवन खपा दिया। 23 साल की कम उम्र में ही इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर शहीद शहादत अपना ली। शहीद हो गए, फांसी पर चढ़ गए, पर इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आज पूरे देश के युवाओं के, विश्व के युवाओं के लिए शहीद वीर भगत सिंह एक उनके लिए प्रेरणा है, और उस प्रेरणा को जीवित रखने के लिए, उनके बलिदान को जीवित रखने के लिए हम चाहते हैं कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अगर इस देश के अंदर कोई असली हकदार है भारत रत्न के लिए, तो शहीद वीर भगत सिंह उसके लिए हकदार है। तो हमारी मांग है सरकार से, जो सरकार लगातार शहीदों के नाम पर, देशभक्तों के नाम पर, धर्म के नाम पर और देशभक्ति के नाम पर आज इस जगह पर बैठी है और आज देश को चला रही है, उस सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जब आप सरकार में नहीं थे तो आप शहीद वीर भगत सिंह के लिए भारत रत्न की मांग करते थे, पर अब आप जब सरकार में खुद बैठे हैं तो शहीद वीर भगत सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है? मुलायम सिंह, जिसको कार सेवकों का हत्यारा और उनको की कितनी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भी अगर उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा सकता है, तो जो देश के युवा की प्रेरणा है, देश की आज़ादी के जो महान शहीद है, ऐसे शहीद वीर भगत सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो जल्दी से जल्दी भारत रत्न शहीद वीर भगत सिंह को देकर इस देश के युवाओं को प्रेरणा मिले और सदियों सदियों तक देश के शहादत को याद रखा जा सके, उनके त्याग बलिदान को, शहादत को याद रखा जा सके, इसीलिए उन्हें भारत रत्न दिया जाए, ऐसी मेरी सरकार से नम्र निवेदन है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।